चार माह शागिर्द जदोजहद हीरो नामियारे कानूनदान यूसुफ लगारी के मन्नता दियण जे लाए हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पारां हैदराबाद प्रेस क्लब में यूसुफ लगारी सां इश्क जो सफर यूसुफ लगारी सिंध के उनवान सां रिहाण तकरीब कोठाई वही। उन मौके ते नामियारे कानूनदान यूसुफ लगारी मथां गुलन छावड़ करे संदस इस्तकबाल कयो वियो। तकरीब में सिंध के सांझावंदन धुरिन अदीबन शायरन लेखकन वकीलन सहाफ़िन सिंध के आशिक चार माह शागिर्द जदोजहद के हीरो नामियारे कानूनदान यूसुफ लगारी के लफ्जन की भेटा पेश कदे यूसुफ लगारी जुरत बहादुरी जो नालो है। वह जदोजहद की अलामत है। यूसुफ लगारी कल भी सिंध से गड बीठो हो, अज भी सिंध से गड बीठो है। वह सिंध जो मुहाफिज है। वन यूनिट गालाबाग डेम एमआरडी की तहरीक का वेंदे सिंध के कौमी मसलन से सदाई अग भरो रो है। हि सिंध जो वो वाहिद वो किरदार है जैसे सजी सिंध एतबार करे थी। सब का पहले हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जस दीस एप्रिशिएट कस तो सिंध के लिविंग लेजेंड जो हीरोज आज जिंदा असें विच में मौजूद आन थी है तो असा मू मौजूद जैसे न हूँ अस विच में न रहा तो असं वो प्रोग्राम कह उनके भेटा दींदा पर ही तमाम बेहतरीन कम है तो असा उ मूँ जिनकी सारी जिंदगी सिंध के हकन लाए सिंध के मांग के हकन लाए गुजरी इंसानी हकन लाए औरतुन के हकन लाए बार हकन लाए जो इशूज थन था उन मामो यूसुफ लगारी वनयूट का वी एंटी वनयूट तारीख का वी कालाबाग डैम तई ए स्टिल हिंर या जो मुल्क में मार्शलाओं लगे इंसानी हकन की लताड़ थी मानू सा बेवाजबी थियन मामो हर हमेशा उन्होंने मजलूम मानू सा गुड बीठो बीठो हुयो यकीन तो बीठो रहो असे योड़ो यकीन है तो जैस तीन मामे यूसुफ लगारी जड़ा मूँ हूँ असाज मशहर रहा अड़ा ही मूँ सिंध की कुख में पैदा थन्दा रहा सिंध कद के कदम कोसो लगे अस जैसे जिंदगी में पढ़ने की शुरुआत कई हुई इल्मी अदबी समाजी किताबन की तो उन जमाने में चौथी मार्च जो किताब असाजे उन चंद पसंदीदा किताबन में हो जिन खां असा पढ़ण जी सिख्या कई। यूसुफ लगारी साहब जो शुमार सिंध के नामर बल्कि पाकिस्तान के नामर कानूनदान में थे तो इन हमेशा गरीब मानुन घुर्जाऊ मानुन जी मदद कई है। वो पंजे दिल जिया पंजे हथन जिया पंजे अखिन जिया सबनी जो साफ सुथरो किरदार रहो है। असा सबनी मानुन के यूसुफ लगारी साहब के किरदार के मशल राह करन कुर्जे समझा थी। असी खुशकिस्मत आयूं जो बावजूद दुखियन हालतन जे असी समझूता है ना वक्त चार मार्च वारे दौर खां वधिक दुखे हालतन मां सिंध गुजरी रही है पर असी वरी खुशकिस्मत आयूं त जिन वन यूनिट टोड़ियो ओड़ा मानू अस वट मौजूद है असांखे उन्हन खां वधिक सिखण जी जरूरत है। जडे सिंधी पैंजी जदोजहद सां या सिंध धरती जा वासी वन यूनिट टोड़े सकन था त हिंजर जेका असांजे धरती ते वलार थी रही है जेके धारियन जी आबादकारी जा तमाम खौफनाक मनसूबा आन समझा थी तो इन वक्त भी सिंध मुतहद थे उसाजा हीरो उसाजा अगवाण सिंध की अगवाणी कन तो ये जंजीरों भी टोड़े वेंदी। अज मामा यूसुफ के जो जर्नलिस्टन भेटा दिनी है अस समझू था यह तारीख है मामो यूसुफ चार मार्च का वही वन यूनिट की तहरीक हुए या एक्शन कालाबाड कमेटी हुए या पूनम के इतिहाद हुए जडे भी सिंध से को दुख वक्त आयो मामो उनमें अग भरो रो अज भी जिते मामो वेठो है हाई कोर्ट में तब सिंध के मानून गरीबन मिस्किनन की खिदमत कर रो है मामो वो किरदार रो है वरी हिंसर बीहर वन यूनिट मरियो है सिंध में सिंध के हक ए सच की आवाज़ के रोको पो वे सिंध की लखे एकड़ जरदारी माफिया कब्जो पो कराए यह सिंध जहाँ मूँ कदम कत्न ही बर्दाश्त न कंदा सिंध के मानून के एक सगारी जिदोजहद वरी करनी पवी सिंध में हमेशा जैसे मानून जो स्ट्रगल खत्म गुजारे वो असो हाय घोड़ा कह उनके एप्रिशिएट कह अज सुठो तरीको है तो तेरे जिंदा मानू के जै सिंध लाइ जो खिदमतू क्यों सिंध के बार बच्चे के लिए हर मूँ के लिए मामा की खिदमत जहाँ सब को विसारे नो सके स्टोन लाइफ की स्ट्रगल हुए मामा की जिंदगी की स्ट्रगल हुए वकालत की स्ट्रगल हुए मार्शल आर्ट के जमाने में स्ट्रगल हुए मामा कदम को विजिट कर अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट अवामी आवाज़ डॉट पी के।